हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? छुट्टी एंजॉय कर रहे हो आज? आज तो यहाँ नॉर्थ की साइड पे सनलाइट भी है बहुत अच्छी, तो आई होप आपने विटामिन डी का मज़ा लिया होगा, एंजॉय किया होगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट लिटरली बूस्ट योर मोरल, लिटरली बूस्ट योर एनर्जी. जब कुछ भी करने को नहीं है, स्टिल यू स्टार्ट एंजॉइंग. तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़ने लग रहे हैं, साथ साथ जुड़ते रहिए. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. रिसेंटली अभी मैंने लाइव किया था एक दिन पहले, कि स्टक वेट अगर हो गया हो तो वो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ कॉमन क्वेरी विच यू पीपल हैव. और आप लोग पूछते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोग जुड़ रहे हैं, हाय आंचल, हाय राखी, हाय अनु. तो इसीलिए उस पर मैंने वीडियो बनाया. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा. हाय रत्ना जी, आप फेब्रुअरी के लिए आप याद रखिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बिकॉज़ फॉलोअर्स ऑफ द मंथ मैं 3 निकालूंगी, जिनको अगेन एज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव मैं 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ को अपना 1 मंथ का डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी, ताकि आप अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकें, या स्मॉल टोकन ऑफ लव. लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, जो भी मेरी वीडियोस आती हैं. और जो भी इस बार शेयर टैग जिनको मिल रहे हैं, जिन्होंने वीडियोस शेयर करी हुई हैं, उसी में से ही मैं 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ निकालूंगी. संजना जी, हिप रिडक्शन एक्सरसाइजेज प्लीज़ सजेस्ट. सी अगेन, आपको एक्सरसाइजेज तो वो करके दिखाना ज़्यादा बेटर है, बट अगर मैं वैसे बताऊँ कि एक्सरसाइजेज कौन सी हिप एरिया के लिए, सो उसके लिए बेसिकली आप स्क्वाट्स कर रहे हो, पिलाटे कर रहे हो, बेसिकली लोअर लोअर बॉडी पोर्शंस के लिए वो एक्सरसाइजेज वो ज़्यादा बेटर रहेंगी. साइड प्लैंक्स आप कर रहे हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, फॉरवर्ड बेंडिंग हम करते हैं अगर, तो बैकवर्ड बेंडिंग आप करते हो वो बहुत अच्छा रहता है हिप पोर्शन के लिए. हाय सोनू मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग. आरती जी कह रही हैं हेलो मैम, हेलो एवरीवन. आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए. अनु जी बोल रहे हैं, मैम आई वांट टू रिड्यूस माय वेट एंड हेल्थ इश्यूज आल्सो. अनु जी, मैं अपना नंबर यहाँ पे पिन कर दूँगी. हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं आप डिस्कस कर सकते हैं. वेट रिडक्शन के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, मेरा सारा पोर्टल ही इसी के बारे में है, वेट रिडक्शन, हेल्थ इश्यूज़, उसके लिए क्या कर सकते हैं. नाश शेख कह रहे हैं यहाँ इंस्टाग्राम पे, मैम मेरा वेट 90 kg है, मैम गाइड कीजिए. सी अगेन, वेट लॉस करना तो बहुत लोगों का ही कंसर्न रहता है, इसके बारे में लास्ट वीडियो भी हमने बताई थी. स्टक वेट अगर हो गया हो तो क्या कर सकते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, आप अपना ईटिंग पैटर्न का ध्यान रखें, माइंडफुल ईटिंग करें. एंड आई बिलीव वेट लॉस इज़ द ईजिएस्ट थिंग अगर आप राइट राउट ले रहे हैं एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दोज यो डाइट जिसमें आप वेट रिड्यूस कर रहे हो और फिर दोबारा से नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पर आए, दोबारा से वेट गेन हो गया, तो वो सब ना हो. इसके लिए एक बैलेंस सस्टेनेबल डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर मैं अपना नंबर पिन कर देती हूँ. उसी तरह के मैं डाइट्स हमेशा देती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये अवेयरनेस वीडियोज़ भी बनाती हूँ, ताकि आपको नॉलेज रहे, आपको गाइडेंस मैं दे सकूँ. ओके, वील टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. राखी मकर जी बोल रही हैं, मैम प्लीज़ सम टाई टाई वेट लॉस करने के लिए कुछ बताएं, आई हैव नो हेल्थ इशू. राशि जी, मेरा सारा पिछला सेशन भी था स्टक वेट, वेट लॉस करने के लिए पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए, मैं यहाँ नंबर पिन कर दूंगी, वो आप कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, या वेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है. ऐसा तो नहीं कि वो बिस्किट्स नमकीन आप मंचिंग करते जा रहे हो और रात को सोचते हो कि रोटी नहीं खाती या हैवी हो गया, सॉल्ट फ्री रहेंगे, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो अगेन रात को मिडनाइट फिर क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है, फिर कुछ खा ले तो चिप्स का पैकेट उठाकर, अगर ये सब चीज़ें हैं सो दैट मीन्स एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं फॉलो हो रहा है. इसीलिए चाहे कम खा रहे हो, चाहे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग है, स्टिल वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो. माइथु निशु जी बोल रही हैं, हाउ कैन मोटिवेट आर सेल्फ. वेरी गुड क्वेश्चन, आई टेक दैट क्वेश्चन. सी, आप कुछ भी अगर प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी है राइट, आप मोटिवेटेड फील करते हो अगर ये मेरा वीडियो सुनने के लिए, वो आपको कोई भी जर्नी स्टार्ट कराने के लिए बहुत हेल्प करता है. बट अगर आप चाहते हो कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ, जब आप ताकि आपका विच इज़ लाइक आप वेट लूज करना चाहते हो, यू वांट टू बी द फिटर यू, फिटेस्ट यू जितना आप हो सकते हो, यू वांट टू फील पॉजिटिव फ्रॉम विद इन, आप एकदम अमेजिंग फील कर रहे हो थ्रू आउट द डे. ऐसा नहीं कि आपको एकदम लथार्जिक फील हो रहा है, आप वो लग रहा है कि अरे मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही, हर टाइम ऐसा लगता है कि फटीग फील हो रहा है. सो अगर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचना चाहते हो, उसके लिए स्मॉल हैबिट्स अडाप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये ध्यान में रखना है, कल जो थे उसका आप
आज जो है उससे बेटर वर्जन बन रहे हो, आज कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, आज कोई नई हैबिट अडाप्ट करी है। अगर पानी नहीं पी रहे थे क्योंकि विंटर्स हैं और नहीं लग रहा था, तो वो अगर 2 ग्लास पी रहे थे तो उसको 3 ग्लास कर रहे हो, उसको 4 ग्लास कर रहे हो। द पॉइंट इज़ यू आर मूविंग एवरी सिंगल डे अहेड। आप स्टक अप नहीं हो तो वेट भी स्टक नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। वो आप हैबिट्स कल्टिवेट करते हो, नई नई चीज़ें करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेके आते हो, तो आप देखते हो कि वेट लॉस भी हो रहा होता है। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन, ट्रस्ट मी। यहाँ पे मैं कितना भी आपको अच्छी अच्छी बातें करूँ, मोटिवेशनल बातें करूँ, बट रिजल्ट जीरो है। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मोटिवेशन, राइट? तो अगेन, जर्नी स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, कि आपको वो लगता है कि स्टार्ट करने को लिए कि वो बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ यू वॉन्ट टू रीच योर डेस्टिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो स्मॉल हैबिट्स अडाप्ट करें, रोज़ स्मॉल स्मॉल हैबिट्स इनकलकेट करें। बिकॉज ये बहुत कह देना आसान है कि अच्छा आप वेट लॉस करना चाहते हो, से नो टू स्वीट्स, आप जंक फूड अवॉइड कर दो, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कर दो, बट उसके हेल्दी सब्सटीट्यूट्स हम क्या करें ताकि हमें वो क्रेविंग्स भी ना हो, हमें वो भी ना लगे दैट आई एम बीइंग डिवॉइड ऑफ यम्मी फूड, ऐसा ना लगे कि बोरिंग खाना ही खाने को मिल रहा है। वही मेरी कोशिश रहती है मेरी हेल्दी यूनिक ट्विस्ट के साथ रेसिपीज़ बनाने के लिए, ताकि आप इन्जॉय करें, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो मुरमुरा टिक्की हो, इतनी सारी चीज़ें हो, बीट रूट चिला हो। तो वही हम घर के खाने को भी कैसे यम्मी बना सकते हैं साथ साथ, ताकि आपकी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो, लेकिन टेस्ट के साथ। तो हेल्थ और टेस्ट का कैसे कॉम्बिनेशन चले, यही मेरी कोशिश रहती है। चित्रा नाना जी बोल रही हैं, मैम क्या आप प्रेगनेंसी में डाइट प्लान दे सकते हैं? बिल्कुल चित्रा नाना जी, प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, प्लस आजकल फीमेल्स में मैंने देखा है ऑफ लेट कुछ सालों से जेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या थायराइड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा, ये सब इश्यूज़ होने लग गए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ गया है, तो कई बार नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाता है, तो IUI IVF के थ्रू हो रहा है, कई बार ये इश्यूज़ होने लग जाते हैं। इनफैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल कंसेप्शन ऑल्सो, अगर आपका पहले लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं था, आप ओवरवेट थे, तो प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से आजकल हो रही है लोगों के साथ। फीमेल्स बहुत अगेन सफ़र करते हैं उस चीज़ से, और उसके बाद जब होती है तब भी आपका देखते हो आपकी खाना पीना कई बार क्रेविंग्स की वजह से, यू बिकम प्रे टू दैट, तो वो कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं होता, उस वजह से आप बहुत कई बार जंक फूड खा रहे होते हो, कुछ भी है, तो इस तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज़, थायरॉयड, वो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग डाइट कस्टमाइज़ की जाती है। प्लस अगेन सारे आपका पैरामीटर्स देख के कौन से ट्राइमेस्टर में हैं आप, उसके अकॉर्डिंग डाइट सजेस्ट की जाती है। प्रियंका जी बोल रही हैं हेयर फॉल के लिए बताइए मैम। अच्छा ठीक है, हेयर फॉल के लिए मंडे को हम प्लान करूँगी कि एक लाइव वीडियो ज़रूर करें, कुछ ना कुछ जो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ हेयर केयर के लिए टिप्स बताऊँ। बट अब आप प्रियंका जी पूछ ही रही हैं, तो फिर हेयर फॉल के लिए मैं आपको एक ऑयल की रेसिपी देती हूँ, वो आप ज़रूर करिए यूज़। अभी ये मैं जनरल बता रही हूँ टिप्स, ये सभी के लिए ही आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपका हेयर कट कुछ पता है मुझे कि आपका स्कैल्प का कैसा है, बहुत ऑयली है, ड्राई है, अभी मैं आपको जनरल एक ऑयल बताती हूँ, ये आप हफ्ते में इसको एटलीस्ट वंस अ वीक ऑयलिंग ज़रूर करिए, आई होप इट विल बी हेल्पफुल। आप पहले सबसे पहले प्रियंका जी कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नॉर्मल ये जो पैराशूट वाला आता है ना वो वाला नहीं, कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए ऑयल, वो आप ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल। जैसे आपने 2 टीस्पून ले लिया, उसके अंदर आप थोड़ा सा, आप अमेजोन पर भी मिल जाता है, आप शीका का ही ले लिया आपने, तीन चार आपने रीठा ले लिया, देन आपने 2 आंवला ले लिया, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लिया। एलोवेरा जेल भी डालेंगे, वो आप घर के अपने प्लांट से डालिए। इसको मिक्स कर लिया आपने अच्छे से, ऑयल ध्यान रखिए कोकोनट ऑयल जो ले रहे हैं वो मेल्टेड होना चाहिए। इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद आप गैस पे इसको अच्छे से 10 मिनट पकाएंगे, इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, और अच्छे से 2 दिन के बाद आप इसको एक स्टेरिलाइज बॉटल में इसको डाल लेंगे ऑयल के मिक्सचर को, और इसको आप 2 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप उसके बाद जब यूज़ करेंगे, आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे, फिर आप फ्रेश बनाएंगे, और इस तरह से आप यूज़ करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आंवला है, विटामिन सी है जो आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, देन इसके अंदर मैंने शीका का रीठा बताया है। आपको याद हो अगर हमारी दादी नानी मम्मी अगर रीठा ये सब चीज़ें शैम्पूज़ में होती थी, आज की डेट में भी हेयर केयर वाले प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें अगेन आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। अगर आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत जल्दी हो रहा है तो वो आप देखना, उस केस में बहुत अच्छा रहता है। प्लस आपका जो सीबम प्रोडक्शन होता है, जो आपके हेयर के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, हमारा जो आपका जो स्कैल्प होता है ना, वो सेबेशियस ग्लैंड्स के साथ अटैच होता है, वो सीबम प्रोड्यूस करता है, एक ऑयली
कंपाउंड सीबम प्रोड्यूस करता है। अगर वो सीबम कंटेंट ज़्यादा होने लगता है तो आप देखते हैं आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होने लगते हैं, लेकिन अगर वो ड्राई होने लगता है बहुत ज़्यादा तो आप देखते हैं आपको डैंड्रफ होने लगता है, इची होने लगता है आपका स्कैल्प, आपको फ्लेक्स एकदम आप देखोगे फ्लेकी स्कैल्प हो रहा है। तो उसमें दोनों ही चीज़ों में ऑयल बहुत ही एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करना है आपको। बट आप इंश्योर करिए इसको लगा के आप अच्छे से शॉवर कैप लगा लीजिए, और उसके बाद शॉवर कैप लगाने के बाद आप इसको एक घंटा रखेंगे, ओवरनाइट नहीं रखना है। एक घंटा रखने के बाद आप माइल्ड शैम्पू के साथ कंडीशनर के साथ हेयर वॉश कर लेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर करना है, इसके लिए आपने गर्म पानी में नहीं खोलता हुआ पानी नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर से वॉश कर लेना है और फिर एयर ड्राई होने देना है बालों को, ब्लो ड्राई नहीं करना है। एंड आप देखेंगे एक महीने के अंदर ही मुझे प्रियंका जी बताइए कि आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं। प्रियंका जी बोले विश कोकोनट ऑयल, ऑयल का ब्रांड डजेंट मैटर, लेकिन आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करना है, दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू इंश्योर। प्रियंका जी बोल रही है मैम मेरा फ्रंट स्कैल्प दिखने लगा है, ये आप यूज़ करिए, होम रेमेडी है सभी के लिए, प्रियंका के लिए नहीं है, सभी के लिए। एक मैंने जनरल एक रेमेडी दे दी है क्योंकि आप हेयर फॉल के बारे में बात करिए, एक छोटी सी रेमेडी, ये आप एयर ऑयल यूज़ करिए, मैंने खुद यूज़ करके देखा है, दैट वर्क्स वंडर्स। जो मार्केट से हम चीज़ें कई बार बहुत सारी लेते हैं उसके अंदर शैम्पू भी कंडीशनर भी, शैम्पू भी जो मैं बोल रही हूँ माइल्ड शैम्पू हो तो जस्ट इंश्योर सल्फेट और पैराबेन फ्री हो। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स शैम्पू के आप देखेंगे उसमें सल्फेट लिखा है या पैराबेन लिखा है तो वो शैम्पू आप नहीं उठाएंगे। माइल्ड शैम्पू होना चाहिए जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उसके अलावा आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं। संगीता जी बोल रही हैं मैम आई एम आगे चला गया क्वेश्चन। श्वेता जी बोल रही हैं हेलो मैम आई हैव बॉडी पेन, व्हाट फॉर फूड इज़ गुड फॉर मी दैट नॉट इंक्रीज माय वेट। सी श्वेता जी, बॉडी पेन का आपको रीज़न ढूंढना है। कई बार आपके हायर यूरिक एसिड लेवल्स हो सकते हैं तो बॉडी पेन हो सकता है, रात को नींद पूरी नहीं होती तो फटीग फील कर रहे हो, बॉडी को रिपेयर नहीं हो पा रही बॉडी, तो आपको सुबह लग सकता है कि बॉडी पेन हो रहा है, या फिर आप अगेन आपका विटामिन डी लेवल्स कम है, कैल्शियम लेवल लो है, आयरन डेफिशिएंसी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराइए, अपना ब्लड प्रोफाइल ब्लड केमिस्ट्री मुझे सेंड कर सकते हैं, नंबर मेरा पिंड है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज। बीइंग अ डाइटिशियन हम मैं सिम्टम्स के बेस पर नहीं डिज़ाइन कर सकती डाइट प्लान या आपको कुछ रेमेडी दे सकती हूँ, डायग्नोसिस जब हो जाता है कि ये इशू है उसके बेसिस पर हम दे सकते हैं। त्रिवेणी काले जी बोल रहे हैं मैडम प्लीज़ हेयर फॉल कंट्रोल का टिप्स, ठीक है हम डिटेल में लाइव वीडियो बनाएंगे। बाकी आई होप त्रिवेणी जी आपने अभी जो मैंने बात करी अपना हेयर ऑयल की वो आपने सुन लिया होगा, दैट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, वो आप ज़रूर ट्राई करिए। पन्ना दी जी बोल रही हैं मैम आई एम हैविंग रिकरिंग पिम्पल्स ऑन माई फेस, आई एम ऑल्सो कंसल्टिंग अ डॉक्टर एज वेल बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, सो वट डाइटरी चेंजेस आई कैन मेक, प्लीज़ हेल्प मी। पन्ना रॉय जी, पहले तो पन्ना दे जी आपको पहले तो ये देखना है पिंपल्स का अगेन रीज़न समझना ज़रूरी है, आपकी क्या बहुत ड्राई स्किन है, आप किस तरह का खाना खाते हैं, जस्ट इंश्योर आप प्रोसेस रिफाइंड फूड ट्रांसपैट्स वाली चीज़ें वो सब ज़्यादा ना लें, बिकॉज एक तो वैसे ही विंटर्स का टाइम है तो आपकी स्किन बहुत पोर हो, आपके क्लॉग्ड पोर्स होने की वजह से आप जो भी है आप देखते हैं कि इस तरह के पिंपल्स एक्ने होना बहुत ज़्यादा, योर स्किन इज़ प्रोन टू दैट। तो अगर आपका ड्राई स्किन अगर का टेक्सचर है तो अगेन ड्राई स्किन पे पिंपल्स एक्ने ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए जस्ट इंश्योर आप स्किन अंदर से भी हाइड्रेटेड रखें, विच मीन्स अगर आपका पानी का इनटेक अच्छा नहीं है तो आप पानी बढ़ाएं अपना विंटर्स में, आप फ्लूइड्स लें विच मीन्स सूप ले रहे हो, आप वेजिटेबल जूस ले रहे हो, ब्रॉथ ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये तो होगी हमारी इंटरनल डाइट की बात, प्लस कीप योर फेस हाइड्रेटेड विच मीन्स अपने फेस को अपने मॉइस्चराइज करना, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑलवेज डू दैट नो मैटर मैं घर पर हूँ मुझे कहीं नहीं जाना, स्टिल आई अप्लाई सनस्क्रीन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप क्योंकि आप हम स्क्रीन के साथ हमारा एक्सपोजर होता है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो फ़ोन हो, एटलीस्ट उसके साथ तो इंटरनल भी हम घर पे भी हैं इंडोर्स में भी एक्सपोजर होता है, तो अगेन वो रेडिएशंस जो है वो एमिट करती हैं जो स्क्रीन, तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्किन डैमेज में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। प्लस अगर आप धूप में बैठे हो सो अगेन आप तभी वो इंजॉय करना चाहिए जब आप सनस्क्रीन लगा रहे हो, सो जस्ट इंश्योर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। स्किन केयर मॉर्निंग रिजीम नाइट रिजीम अगर वो भी चाहते हो ना डिटेल में कि कैसा करना चाहिए, बहुत मिनिमल बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ, बट स्किन केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप डाइट का ध्यान रख रहे हो हेल्थ का ध्यान रख रहे हो उसके साथ साथ अपनी स्किन पर अच्छे प्रोडक्ट्स लगाना, स्किन का ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ अगर मैंने कुछ मैं नहीं लगाता, मैं कोई क्रीम यूज़ नहीं करता, तो अगेन आई डोंट थिंक ये बहुत बोझ करने वाली बात है या बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो आपको प्रोडक्ट सूट करते हैं वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मॉर्निंग स्किन केयर रिजीम नाइट स्किन केयर रिजीम वो ज़रूर आपको करना चाहिए। जूही जी बोल रहे हैं स्किन केयर सेशन के बारे में, ठीक है बिल्कुल ज़रूर इसके बारे में मैं करूँगी।
दुबे नीतू जी बोल रहे हैं, योर रेसिपीज़ आर वेरी हेल्दी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं, आप लाइक करते हो, आप उनको बनाते हो, पिक्चर सेंड करते हो, ट्रस्ट मी दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस कि आप लोगों को पसंद आ रही है, आप इंजॉय करते हो। जो लोग मुझसे डाइट भी ले रहे हैं, जो लोग मुझसे डाइट नहीं भी ले रहे तो भी आप ट्राई करते हो, यू स्टार्ट इंजॉइंग, दैट इज़ द मेन पर्पस कि आप घर के खाने को बोरिंग ना समझो और आपको वो फिर इन टर्न जंक फूड की क्रेविंग नहीं होती, दैट इज़ द होल पर्पस। हिमांद्री जी बोल रही है, हेलो मैम, कैन आई गेट अ रीनल डाइट प्लान, आई हैव टेंडेंसी फॉर कैलकुलेट ईआईआई। हिमांद्री जी, मेरे नंबर नीचे पिन है, अपने रिपोर्ट शेयर करिए और क्या एग्जैक्टली रीनल इश्यूज़ है, क्या किडनी इशू है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं डाइट सजेस्ट कर दूंगी। कोमल जी बोल रही है, मैम फेस पिगमेंटेशन के लिए बताइए। ओके, आप सब समझ रहे हैं कि मैं डर्मोटोलॉजिस्ट हूँ। सी अगेन कोमल जी, आपका पिगमेंटेशन का इशू रूट कॉज समझना ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है। कई बार एजिंग साइंस भी होते हैं जो आपकी आपकी स्किन आपको दिखाती है, एंड वी हैव टू एज ग्रेसफुली, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट डजेंट मीन कि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं स्किन का और फिर हम कह रहे हैं कि एजिंग साइंस दिख रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, सो दैट इज़ ओके। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एंटी एजिंग आप सिरम लगाएं, आप एंटी एजिंग क्रीम्स लगाएं, ये सब ज़रूर लगाएं, और अपने स्किन केयर रेजिम में भी आप रेटिनॉल ज़रूर इंक्लूड करें। जिन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ए होता है वो पिगमेंटेशन को कर्व करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। प्लस गाजर चुकंदर का जूस ज़रूर लीजिए, ये अपनी डाइट में ज़रूर ले लीजिए, दिन में एटलीस्ट वन टाइम तो ज़रूर लीजिए कि आप गाजर चुकंदर का 200 ml का जूस ले रहे हो, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल, विच मीन्स आप अपनी डाइट में भी रेटिनॉल रिच डाइट ले रहे हो, प्लस आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी वो यूज़ कर रहे हो। नामपिका जी बोल रही है, मैम प्लीज़ टेल मी हाउ आई रिड्यूस माई वेट। बिल्कुल, डाइट प्लान ज्वाइन करके जो भी मेरी वीडियोस हैं वो देख के, पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहिए वो आप ले सकते हैं, नहीं तो ऑफकोर्स मैंने लास्ट वीडियो बनाया था स्टक वेट के ऊपर, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिल जाएगा, डिटेल में मैंने बात करी थी, जिससे जो आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोल रही है, वट इज़ द रीज़न ऑफ हैवी हेयर फॉल। प्रियंका जी, रीजंस कैन बी मैनी, आपका लाइफस्टाइल वन ऑफ द रीजंस होता है, अगर हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, हमारा स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है तो रीज़न रहता है। जैसे मैंने बताया कि आपके हमारा जो स्कैल्प होता है उसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है सीबेशियस ग्लैंड से, तो अगर हमारी स्किन ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रही है, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तब भी हेयर फॉल होने लग जाएगा। हेयर जो हेयर की आपके फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट होने लगते हैं, तो वो उस वजह से आप देखते हो हेयर फॉल होने लग जाता है। और अगर सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो ड्राई हेयर की वजह से ड्राई टेक्सचर जो आपको दिखता है डैंड्रफ के फॉर्म में, वो डैंड्रफ की फॉर्म में वो क्या होता है, बेसिकली वो आपका स्कैल्प ड्राई है तो उस वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है। सो रीजंस कैन बी मेनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली कई बार लाइफस्टाइल आप फिक्स करते हो तो उससे भी हेयर फॉल ठीक होने लगता है, कई बार वेदर चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस फीमेल की बॉडी में आती हैं, प्रेगनेंसी में तो हेयर का टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, इवन आई सॉ दैट, बट आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी, इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट, बहुत ही मैसिव हेयर फॉल होता है। सो दीज आर फेजेस, दीज आर रीजन्स जब आपका हेयर फॉल होता है, बट कई बार इन चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हो जब आपका वो फेस चला जाता है, राइट, वो हार्मोनल चेंजेस होने हैं, यू कांट डू मच अबाउट इट, वो अपने आप, लेकिन उस टाइम पे अगर आप हेयर केयर ही नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं रख रहे हो, तो बाद में आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते हो, रिकवर नहीं कर पाते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखें, रूट कॉज समझे कि रीज़न क्या हो रहा है। स्ट्रेस इज़ समथिंग विच यू हैव टू डील विद, कि आप अगेन थोड़ा सा लेट गो करना सीखे। जैसे हम बच्चे के साथ देखते हो ना, अभी आपने उसको डांट दिया, मैं अपने बेटे के साथ देखती हूँ, अभी आपने उसको डांट दिया एंड 5 मिनट्स लेटर ही इज़ बैक टू यू नॉर्मल, एज अ कुछ हुआ ही नहीं है, और हम बड़े क्या हैं, हम दिल पे लगा लेते हैं, अरे मुझे इसने ये बोल दिया। सो जस्ट लेट गो, आपको देखोगे मेंटली भी आपको रिलैक्सिंग लग रहा है, आप लाइट फील कर रहे हो, लेकिन हम वो अगर उस प्रॉब्लम में रहते हैं, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं एंड यू थिंक इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी ये करूँगा, तो आप अपना नेचुरल जो है, आपका जो नेचुरल जो आपका नेचर है वो आप लूज़ करते रहते हो एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अ पर्सन हु यू आर नॉट, तो वो जो आपको भी अनप्लेजेंट लगते रहता है। सो बी ट्रू टू योर आइडेंटिटी, बी क्लोज टू जिसके साथ आप खुद के साथ एसोसिएट करके यू स्टार्ट एंजॉइंग योर कंपनी, ऐसा नहीं यू हैव दैट हेटरेड, तो आई बिलीव वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, ताकि वो रात को अच्छे से नींद आए और सुबह उठ के वो फेशियल पफिनेस ना दिखे और वो हेयर फॉल नहीं हो रहा हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट गो, बहुत चीज़ों को तो लेट गो करना बहुत बड़ा सोल्यूशन है। जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, चाहे सिचुएशंस के ऊपर, चाहे लोगों के ऊपर, जो आपके कंट्रोल में है, फोकस ऑन दैट और उसके बाद बाकी लीव इट टू योर डेस्टिनी। नीलम जी बोल रही हैं, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। मैम नीलम जी फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन तो मिस हो गया। अभिलाषा जी बोल रही है, मैम वेट लॉस करे कैसे करूँ, आई बिलीव आप पूछना चाहते हैं वेट लॉस के ऊपर ही हमारी बात हो रही है, पूरा पूरा वीडियोस देख सकते हो, डाइट प्लान ले सकते हो, नीचे नंबर पिंड है,
अगेन कौन करना चाहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि अरे आज तो तुम मोटी लग रही हो, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, किसी ने बॉडी शेमिंग करी और फिर आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे तो उसको सबक सिखाना है, अब तो मैं पतले होके दिखाऊंगी, ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए। आपका रीज़न जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, विच मीन्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यू वॉन्ट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक यू अ लॉन्गर वे। इस तरह का भी गोल नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि अरे 2 महीने बाद मेरी शादी है, मेरी कज़न की शादी है। ऐसा होता है, मैं देखती हूँ क्लाइंट्स बोलते हैं तो वो बहुत ही कम होता है उसका लाइफ कि आपने वेट लॉस कर भी लिया, उसके बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से बढ़ गया। सो अगेन रीज़न जो होना चाहिए इट शुड नॉट बी शॉर्ट लिव, उसकी जो लाइफ होती है ज़्यादा होना चाहिए, विच मीन्स आई वॉन्ट टू एज ग्रेसफुली, आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ डिजीज फ्री। तो इस तरह के जो आपका अगर एम होगा, मिशन होगा वेट लॉस करने के पीछे, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वेट लॉस कर लोगे तो यो यो इफेक्ट नहीं होगा कि बाद में वेट दोबारा से आपका बढ़ने लग गया, आप ईजिली कर सकते हो। पार्वती जी बोल रही कॉन्स्टिपेशन डाइट, बोलिए मैम। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर भी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं पार्वती जी। अगेन अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए सिर्फ डाइट काफ़ी नहीं है, आपको मेडिकल इंटरवेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बट अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एक्यूट नहीं है, अगर रिसेंटली ही कुछ हो रही है, सो डेफिनेटली उसको हम डाइट से फिक्स कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। अब आप कोई होम रेमेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो, उससे बेटर है लाइफस्टाइल हम अपना फिक्स करें, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, जितना हो सकता है अल्कलाइन फूड्स लें, जितना हो सकता है आपकी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें, अच्छे से ग्रेन्स इंक्लूड करें, विच मीन्स आप दलिया ले रहे हो, पोहा ले रहे हो, पॉरेज ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें ले रहे हो, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप त्रिफला लेते हो, बहुत ज़्यादा इस तरह के लैक्सेटिव्स लेते हो, जस्ट इंश्योर उसकी आप हैबिट ना बनाएं और जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों से ही, खाने से ही अपने आप वो कोशिश करें। विनीता जी बोलिए हाउ टू गेट चबी चीक्स एट एज 45। विनीता जी सी हमारी व्हेन यू रीच योर 30 आपका कॉलेजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, विच मीन्स आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी मेंटेन करता है 1% वो डिक्रीज होने लगता है विनीता जी, दैट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना फॉर एवरी फीमेल। लेकिन अब 45 की एज, आई डोंट नो आपका मेनोपॉज हो गया कि नहीं, वजह आप उस अगर मेनोपॉज हो गया है तो वो भी रीज़न रहता है। बट अगेन मैं नहीं कहूँगी कोलाजन बूस्टिंग, आपको शेक्स लो, कोई पाउडर्स लो जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, बट आप एक हेल्दी डाइट लें, जस्ट इंश्योर उसमें अगेन डाइवर्सिफाइड डाइट हो। मैं नहीं कहूँगी प्रोटीन प्लस डाइट, नथिंग, एक बैलेंस्ड अच्छी डाइट ले रहे हो ये आप इंश्योर करिए, कोई क्रैश डाइट फैट डाइट्स फॉलो ना करें जितना हो सकता है। अगर अगेन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, सो काम होना बहुत ज़रूरी है कि वो आप ध्यान रखें कि आप हमेशा चर्पी फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, कंटेंटेड फील कर रहे हो एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, और जितना हो सकता है हाइड्रेटेड खुद को रखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्किन केयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाजन बूस्टिंग अगेन स्किन केयर रिजीम यूज़ करें जहाँ पे एंटी एजिंग रिंकल फ्री उस तरह के आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। आई हैव सीन विद माय एक्सपीरियंस स्किन केयर अच्छा होता है, सो डेफिनेटली आप उसको, मैं नहीं कहती रिवर्स कर सकते हो, बट आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो, प्रोलॉन्ग कर सकते हो जो आपको साइंस दिख रहे हैं, एजिंग के साइंस दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी एज के साथ वो चीज़ें होती हैं, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। बाकी तो ये है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। संध्या जी बोल रही है मैम थायरॉयड पेशेंट वेट लॉस कैसे करें। थायरॉयड पेशेंट वेट लॉस बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी अगर थायरॉयड की मेडिकेशन चल रही है तो वो आप साथ साथ ले रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली थायरॉयड पेशेंट भी वेट लॉस कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ रिमेडियल एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोच लेते हैं ना हम कि थायरॉयड है फिर तो वेट गेन होना ज़रूरी ही है, होगा ही, मुझे तो हाइपर थायरॉयड है, ऐसा नहीं है। आप मेरे पास थायरॉयड क्वेश्चंस ज्वाइन करते हैं और बहुत ही आसानी से वेट लॉस कर रहे होते हैं, जस्ट इंश्योर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप ज़रूर रखें, बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, हम बहुत लेट सोते हैं, लेट खाना खा रहे होते हैं, एक फिक्स टाइम ऑफ ईटिंग नहीं है, उस वजह से बहुत इश्यूज़ होने लगते हैं। अंजलि जी बोल रही हैं मैम फेस पर चिया हो गया है प्लीज़ बताएं, मुझे आपका अंजलि जी क्वेश्चन समझ नहीं आया। सुषमा जी बोल रही हैं प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हाउ कैन वी रिड्यूस। सी सुषमा जी, अगर हॉट फ्लैशेज हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके एस्ट्रोजन लेवल्स डिक्रीज होने लग जाते हैं, तो फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें, नट्स इंक्लूड करें, अगेन इन मॉडरेशन।
सीड्स यूज़ कर रहे हो, आप अच्छे से फ्रेश सीजनल फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आजकल हरे पत्ती वाली सब्जियाँ आ रही हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, वो आप यूज़ करिए, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिकॉज़ अगर आपका सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाएंगे तो आपको वाटर रिटेंशन का इशू होने लगेगा। जितना हो सकता है चाय कॉफ़ी अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इनको अवॉइड करिए, बिकॉज ये एसिडिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। सूप ज़रूर, वेजिटेबल सूप दैट इज़ अ मस्ट अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। रॉ मील ज़रूर लीजिए, जैसे मिड मील्स में आप फ्रूट के साथ साथ सैलेड भी ले रहे हो, ब्रोकली ज़रूर लीजिए, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन सी। इतने अच्छे अच्छे मैंने टिप्स दीजिए ये दे दी हैं, ये ज़रूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में एंड यूल बी ऑल गुड। मुजम्मिल जी बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव फ्रूट्स? मिड डे, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है वो आप फ्रेश सीजनल फ्रूट लें, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। सोना जी बोल रही हैं, मैम क्या शक्कर कंदी और ग्राम ले सकते हैं वेट लॉस के लिए? शक्कर कंदी तो ठीक है, ग्राम मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन सोनम जी। शक्करकंदी बिल्कुल ले सकते हैं, अगेन मॉडरेशन इज़ द की, राइट? अब अच्छा है कोई चीज़ को हम किसी चीज़ को यूज़ करने की जगह अब्यूज़ करने लग जाएंगे तो भी वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, तो शक्करकंदी बिल्कुल ले सकते हैं, दैट इज़ रियली गुड। इवनिंग में क्रेविंग्स हो रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन बी, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन के, बहुत अच्छे सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं, फाइटो केमिकल्स हैं इसके अंदर, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। सो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, चटपटा खाने का मन करता है कि शाम को मन कर रहा है गोलगप्पे खा लो, तो वो शक्करकंदी खा लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ऑल सॉर्टेड, आपको कोई इस तरह की क्रेविंग्स भी नहीं होंगी और कुछ आप अनहेल्दी भी नहीं खाएंगे। अंजलि जी पूछ रही हैं पिगमेंटेशन के बारे में, पूछ रही हैं अंजलि जी, अभी इसके हमने बारे में बात करी है। सोनम जी बोल रही है थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। ओके रत्ना बरल, मैम मैंने 22 kg वेट लूज़ किया है, मेरा स्किन लूज़ हो गया है, उसको ठीक कैसे करें मीस प्लीज़ बताएं। सी अगेन, वेट लॉस कैसे किया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट की होता है तो किया होता है तो आपका बेसिकली मसल मास लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो आप देखते हैं कि एकदम से सैगिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा लटक गया है। बट अगर आपने क्रैश डाइट फॉलो नहीं किया है तो ऐसा नहीं होता, बैलेंस डाइट के साथ आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी टोन भी होती रहती है, बट नेवरतलेस जो हो गया है वो हो गया है। बट उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कैलोरी डेफिसिट डाइट के बारे में ना सोचे, न्यूट्रिशन नरिशमेंट के बारे में भी सोचे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी फाइन। परना दे जी बोलिए, शैल आई स्टॉप कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस पिम्पल्स? सी वो आप अपने एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पिंपल्स हैं आपको तो डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से हैं। हर चीज़ आप मॉडरेशन में ले रहे हो, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो एनिमल प्रोडक्ट्स लेने की जगह आप डेयरी में आप नॉर्मल काउ मिल्क, बफेलो मिल्क लेने की जगह आप उसकी जगह पे कोकोनट मिल्क ही घर पे बना के ले लिया, आलमंड मिल्क बना के ले लिया, कैश्यू मिल्क बना के ले लिया। कोकोनट मिल्क बींग द चीपेस्ट, इकोनॉमिकल भी है और बनाना भी ईजी है, तो कोकोनट मिल्क आप घर पर बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट? डॉक्टर मनप्रीत कौर जी बोल रहे हैं, हाउ टू लूज़ फेस फैट? अगेन ओवरऑल ही फैट रिडक्शन होता है डाइट के थ्रू आप जब करते हैं, बट अगर आप ओवरऑल अगर आई एज्यूम अगर ओवरऑल ठीक फील कर रहे हैं बट सिर्फ चबी फेस है कि डबल चिन बहुत ज़्यादा है या फेस पे फैट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अगेन फेशियल योगा, फेशियल एक्सरसाइजेज, इसके लिए भी मुझे बताना, अगर अलग से वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूँगी। फेस टूल भी है मेरे पास, जो कब यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, कौन सा आपको ऑयल या सीरम लगा के, क्रीम लगा के, अगेन फेशियल योगा आप टूल्स के साथ कर रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है, हैंड्स के साथ कर रहे हो वो भी, आप इस तरह से ड्राई स्किन पे नहीं आप कभी भी करते कि आप ऐसे हमेशा ऑयल लगा के, फेशियल ऑयल लगाकर या फिर आपको सीरम लगाकर या क्रीम लगाकर, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप उस तरह से आप करते हैं, तो वो भी आप मुझे बताना, मैं डिटेल में वीडियो बताऊँगी आपको इसके बारे में भी। सिमरन जी बोल रहे हैं, प्लीज़ टेल समथिंग फॉर लोअर फैट। सिमरन जी अगेन, लोअर पोर्शन अगर आपका बॉडी टाइप होता है, कहीं का एप्पल शेप बॉडी होती है, कहीं की प्योर शेप बॉडी होती है, इस तरह का है कि लोअर पार्ट फैट आपका ज़्यादा है, लोअर पार्ट ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज रूटीन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, जो आप उस पार्ट के लिए, आपके लोअर फैट के लिए, जैसे सपोज आपका थाइज है आपके हैवी, आपका बटक्स हैं,
तो उसके लिए आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ताकि वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जितना आपका मसल स्ट्रेंथन होगा उतना आप देखोगे कि आपका फैट रिडक्शन होगा, मसल मास नहीं लूज़ करोगे। सो आपके मसल्स को वो आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है, राइट। सिमिलरली स्टमक की बात होती है, जब हम बेली पार्ट चाहते हैं कि वो आपको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको अपना कोर एक्सरसाइजेस करनी है जस्ट टू स्ट्रेंथन योर कोर। आपका मसल जितना बिल्डअप होता रहेगा उतना ही आप देखोगे कि फैट लॉस होता जा रहा है। ओके ठीक है, देन वी विल रैप अप विद द सेशन। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए जो भी होगा कमेंट्स में, आई विल गो थ्रू देम एंड मैं जितना हो सकेगा आंसर करूँगी। एज यू ऑल नो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। इट वाज अ लवली मीटिंग यू, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू।